गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल। क्या आप जानते हैं सुबह जल्दी उठने के चमत्कारी फायदों को? नहीं जानते तो जान जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुबह जल्दी उठना बेहद ही जरूरी है। सुबह समय से उठने से शेड्यूल सही बना रहता है और आप अपने आप को टाइम भी दे पाते हैं। सुबह वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। यह आपकी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करती है। जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी दिनचर्या जल्दी समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ आपको योगा व एक्सरसाइज करने का टाइम भी मिल जाता है। सुबह सुबह कम से कम 30 मिनट का वॉक जरूर करें, फिर 15 मिनट रेस्ट करने के बाद योगा को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। कम से कम 30 से 40 मिनट प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे न केवल आपके चित्त शांत रहेगा बल्कि आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। अच्छे शेड्यूल और अच्छी हेल्थ के लिए हम सभी अक्सर खूब प्लानिंग करते हैं, बट सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। वजह है आलस और अच्छी आदतों के फायदों के बारे में पूरी जानकारी ना होना। विज्ञान की माने तो डॉक्टर भी ये मानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोने की आदत आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेती है, जिसमें से डिप्रेशन एक है। डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी है जो एक बार चपेट में लेती है तो इसका पता लगाना भी आसान नहीं होता। और वहीं अगर नींद पूरी ना हो या फिर देर रात जागा जाए और देर से सोकर उठा जाए तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अगर समय पर सोकर और सुबह उठा जाए तो डिप्रेशन से बचा जा सकता है। सुबह सूर्योदय से पहले यानी 4 से 5 बजे के बीच में उठने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है। सुबह जल्दी उठने से साफ व शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलती है, जिससे सांस की समस्याओं से आराम मिलता है और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ फेफड़े कई तरह की बीमारियों से बचाता है। सुबह जल्दी उठकर योगा व एक्सरसाइज करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपका हृदय पूरी तरह स्वस्थ बना रहता है और हृदय संबंधी बीमारियों का कोई खतरा नहीं रहता। वहीं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से चुस्ती रहता है और बाकी अंग भी सक्रिय रूप से काम करते हैं। सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करने से मोटापे को दूर करने में मदद मिलेगी और तनाव, एसिडिटी, डिप्रेशन, शरीर में सुस्ती, पेट में गैस बनने जैसी समस्याएं अपने आप दूर भाग जाएंगी। एक उम्र के बाद हड्डियां अपनी मजबूती खोने लगती है। ऐसे में सही खानपान और सही रूटीन और एक्सरसाइज इन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने से हड्डियाँ भी मजबूत रहती हैं। सुबह जल्दी उठकर अगर आप धूप को ग्रहण करते हैं तो आपको कभी भी हड्डियों व जोड़ों से संबंधित समस्याएं नहीं आएंगी। सुबह जल्दी उठने से आपकी डाइट हेल्दी रहेगी और आपको दिन में क्या खाना है इसकी प्लानिंग भी कर सकेंगे। साथ ही ब्रेकफास्ट करने का सही समय भी यही होता है। वैसे भी नाश्ते से जो एनर्जी मिलती है दिन भर की एक्टिविटी उसी पर निर्भर करती है। ये सब जानने के बाद आपको सुबह उठने का जल्दी मन तो करेगा ही, लेकिन उठने से पहले दिक्कत भी आएगी। आखिर नींद तो सभी को बहुत प्यारी होती है, लेकिन थोड़ी कोशिश करिए, आदत बदल जाएगी और स्वस्थ तन व मन के साथ आप महसूस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।